हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक बैट के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग बहुत सारे बैट लेते हैं, बहुत सारे बैट ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग अपन मंगाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। लेकिन सर जी, मैंने कुछ ही दिन पहले राजकोट से एक बैट मंगाई थी। जो मैंने मंगाई थी वही उन्होंने दिया है, और जिस तरह स्पेसिफिकेशन लिख के भेजी थी वैसे ही बिल्कुल दिया हुआ। तो सर, मैं आज आपको इस बैट की खासियत बता देता हूँ। ये देखिए, ये राज स्पोर्ट्स की बैट है। ये है हार्ड टेनिस के लिए डबल ब्लेड में। इसका ब्लेड का थिक इस ब्लेड इनके ब्लेड की थिकनेस देखिए, इनका थिकनेस कितना परफेक्ट है। ये मोस्ट प्रोबेबली 45 to 50 mm के थिकनेस में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये टो गार्ड, थ्रेडिंग सबके साथ में ही देते हैं, और ये बहुत चीप चीप बैट है। मतलब सबसे कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में मिल रही तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये बैट वाकई में बहुत अच्छी बैट है। और आप इनको ये देखिए, इस बैट का वुड देखिए, एकदम हार्ड वुड है। ये इसका पंच इतना भारी है कि ऐसा नहीं होता है कि जब अपन खेलते हैं, खेलते समय ऐसा नहीं करता है कि पट पुट ऐसा हो जाता। इसका मतलब स्ट्रोक ऐसा है कि इसमें स्ट्रोक डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, ये शुरू से ही इसमें स्ट्रोक होते हैं। इतना अच्छा है और बिल्कुल बैलेंस बैट है। आप देखेंगे बिल्कुल बैलेंस बैट है, और जो साइज में चाहिए आप वो साइज में मंगा सकते हैं। प्लस इसके वुड जो है फुल प्रेस किया हुआ वुड है। ऐसा नहीं कि मतलब खेलते खेलते तो दबेगा या इधर पंच बीच में, कुछ नहीं। टोटल 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 फुल पंच है। और इसको आपको मतलब जरा भी टेंशन वाली बात इस बैट में कुछ भी नहीं है। मैं इस बैट से खेल के देखा हूँ, ये बैट का स्ट्रोक काफी अच्छा है। और जिस हिसाब जैसा अपन स्पेसिफिकेशन लिख के देंगे वैसा ही वो अपने को भेजते हैं। और वाकई में मेरा तो ये कहना है कि अगर आप बहुत सारे बैट ट्राई भी किए होंगे, पर एक बार मेरे हिसाब से राज स्पोर्ट्स की ये बैट आप ट्राई कर लीजिए। आपको ट्राई करने के बाद, खेलने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें और बैटों में क्या फर्क है। ये देखिए, उसका ये जो फुल प्रेस वुड है उसकी खासियत बाकी बैटों में नहीं मिलती है। थैंक यू।